हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एरिट अकेडमी एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम मन की बात सो वी आर ब्रिंगिंग दिस मन की बात कंपाइलेशन जहाँ पे मोदी जी ने जो भी चीज़ बोली है जो प्रलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है बी इट्स फ्रॉम सोसाइटी इकोनमी कल्चर आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनी थिंग विच कैन भी इम्पोर्टेंट दैट वी हैव कम्पाइल्ड हेर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस

उनको एक्सपीरियंस देना सो दे हैव स्टार्टेड दिस होम स्टे कॉन्सेप्ट जिसका मोदी जी ने जिक्र किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया दैट हाउ इट हैज हेल्प इन देयर लोकल इकोनमी एट द सेम टाइम इट इज हेल्पिंग इन इको टूरिज्म एक्सपीरियंस टूरिस्ट आर गेटिंग देयर सो दैट वे वी शुड नो दैट कोरकू ट्राइब इज रिलेटेड टू मेलघाट टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र दिस इज अबाउट मेलघाट रिजर्व नेक्स्ट वी शुड नो अबाउट दीज थ्री लैंग्वेजेज गोजरी लैंग्वेज वांच यू लैंग्वेज एंड लैंग्वेज क्या है कैसा है एक एक करके डिस्कस करते हैं यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी सो सबकी कुछ कंपोनेंट है सबकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच वी शुड नो फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू टॉकिंग अबाउट गोजरी लैंग्वेज Gujri is an Indo-Aryan language and it is spoken mostly by Gujjars in the northern part of the country and Pakistan as well as in Afghanistan and at present uh, the Gujjar people in Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh who are ethnic Gujjars they only use this language rest other Gujjars they have adopted the regional languages talking about vancho language it is spoken in Arunachal Pradesh Nagaland and some parts of Assam and it belongs to Tibeto-Burman language family

डिजिटल इनोवेशन स्पेशली रिले इन द फील्ड ऑफ ए आई ड्रोन्स उसके थ्रू कैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया जा रहा है बी इट ऑफ मॉनिटरिंग द क्रोकोडाइल और कंजर्वेशन रिलेटेड टू फॉरेस्ट वाइज और जो भी टाइगर पॉपुलेशन है उनको मॉनिटर करना है सो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज इज इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन सो इट गॉट स्पेशल मेन्शन इन मन की बात नेक्स्ट इज बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक पेस्ट पेस्टिसाइड्स तो बायो फर्टिलाइजर स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट बजट में भी मैं था लास्ट ईयर एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स क्या है कैसे बनाए जा सकते हैं आई है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कई बार क्या होता है ऑप्शन में जब हमें ऐसी चीजें सामने से मिलती हैं देन वी विल बी क्लूलेस की अच्छा ऐसा भी हो सकता है और वी ओवर थिंक एंड वी विल नॉट मार्केट तो एक बार देख लेते हैं कि मन की बात से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है दैट विल हेल्पअ इन प्रलिम्स So, Honorable Prime Minister mentioned it with respect to the women of Nibia Begampur village who are associated with self help groups and they are preparing bio fertilizers by mixing cow dung, neem leaves, and many types of medicinal plants. Not only that, they are also preparing organic pesticides where they prepare a paste of ginger, garlic, onion, and chilli. And that is how they are managing. Uh, पेस्ट कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर्स तो इसका स्पेशल जिक्र किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कि वुमेन कैसे लीडरशिप ले रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे ले रहे हैं और लोकल सॉल्यूशंस दे आर कमिंग अप विद दिस सो हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस लोकल सॉल्यूशन सो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हमें एग्जाम में ओवर थिंक कर जाते हैं नेक्स्ट इज इंडियन वोटर्स इलेक्शन टाइम है इलेक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है स्पेशली स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू जिसमें एक्सप्लेनेशन एसर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें फैक्ट कुछ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मैंशन किया है दैट वी शुड नो एक बार वो फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा सो टॉकिंग अबाउट इंडियन वोटर्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मैंशन दैट देर आर अप्रॉक्सिमेटली नाइनटी सिक्स करोड़ वोटर्स इन द कंट्री एंड दिस फिगर इज बिग ह्यूज

इफ इट इज गिवन असर्शन एंड रीजनिंग स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट नॉट बट नॉट एक्सप्लेनिंग तो हम नहीं मार कर पाएंगे इसके लिए हमें पता होना चाहिए राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप मेन्स में तो यूज कर ही सकते हो बट यहाँ पे मुझे सूटेबल लगा कि इलेक्शन का टाइम है नाउ यूपीएससीज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो अगर ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सप्लोर किया वी शुड हैव अवर फैक्ट्स रेडी विद एस खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है देख लेते हैं कब इंट्रोड्यूस हुआ और इसके अंदर क्या होता है कौन सा एडिशन था दैट ऑल वी शुड नो खेलो इंडिया यूथ गेम्स दिक्कत एडिशन ऑफ दिस वॉज ऑर्गेनाइज इन दंथ ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर across four cities in Tamil Nadu Chennai Trichy Madurai and Coimbatore and it is a national level multidisciplinary sports competition for schools and college students in India and the games are held annually in January and February and are part of government's initiative Khelo India initiative and what is the purpose the aim is to promote sports culture and identify sporting टैलेंट एट द ग्रास रूट लेवल तो टैलेंट हो गया किस इनिशिएटिव के अंदर आता है ग्रास रूट लेवल पे है किस स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए कब होता है ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पता चले सी मे भी आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा बट थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि हम वीडियो जल्दी से आप लोग फिनिश कर पाए और याद रख पाए ठीक है सो आई एम नॉट इलेबोरेटिंग मच ऑन द इन्फॉर्मेशन वी आर ऑलरेडी इन द रिविजन मोड सो टेक इट लाइट ओके बहुत ज्यादा इसको बर्डन नहीं फील करना है नेक्स्ट नारी शक्ति वंदन एक्ट नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में यू विल आल्सो टेल मी दैट दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड दिस नारी शक्ति वंदन एक्ट की वजह से जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं टेल मी दी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विच हैजिन इंट्रोड्यूस न्यू आर्टिकल्स विच हैजिन इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन सो so, नारी शक्ति वंदन एक्ट कई बार हिंदी ने जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली इट इज विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन फॉर वुमेन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लेकिन दो इन्फॉर्मेशन जो मैंने पूछी आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर है अमेंडमेंट का एंड द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विच हैज बिन इंट्रोड्यूस्ड नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इट इज रिलीज बाई यू आर राइट आई होप यू आर राइट विपो इट इज विपो बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मैं क्वेश्चन आ सकते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज एन एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज बाई देयर कैपेसिटी एंड सक्सेस इन इनोवेशन एंड इट इज पब्लिश बाई विपो इट वॉज स्टार्टेड इन टू थाउजेंड सेवन वॉट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज इन मन की बात इज दैट इन We were ranked at 81st in Glo Global Innovation Index, and today our rank is 40th. So you can say ki kaise Hamara Jump hua hai last one decade mein almost. And this year he also mentioned that this year the number of patents filed in India was high, of which about 60% were from domestic funds. And this time, the highest number of Indian universities have been included in the QS Asia University rankings. सो दिस वॉज मैंशन बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिलेटेड टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन दी मन की बात अब ये स्टेटमेंट्स अगर आ जाते हैं एग्जाम में और फैक्ट्स हमें नहीं पता है ये जो भी uh, हमारी ग्रोथ हुई है जो भी डेवलपमेंट हुआ है टू थाउजेंड फिफ्टीन और अभी के कंपेरिजन में देन वी वॉन्ट बी एबल टू मार्केट नेक्स्ट काशी तमिल संगमम ये काशी तमिल संगमम क्या है कल्चर से रिलेटेड है डेफिनेटली यू नो अब इट कब शुरू हुआ ऑल दो so काशी तमिल संगम इज एनुअल Month-long program started in 2022. It is organized by Ministry of Education to celebrate, reaffirm, and rediscover the age-old links between Tamil Nadu and Varanasi. And it was inaugurated by Prime Minister Modi in the year 2022. So Kashi Tamil Sangamambi Rani Velu Nachiarji. अभी मोदी जी ने बोला कि रानी वेलू नाचियार जी अभी जी है कौन हमें पता होना चाहिए सो आई जनवरी और मोदी जी ने क्या बोला है इनके बारे में देख ले रानी वेलू नाचियार वॉज द प्रिंसेस ऑफ रामनाथ किंगडम ऑफ रामनाथपुरम तमिलनाडु एंड शी इज रिवर्ड एज द फर्स्ट क्वीन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया She was a scholar in language like French, English, and Urdu, and in fact, in the year 1780, 1780, she fought against the British with the help of Sultan of Mysore, Hyder Ali, and with their support, she also formed an army. She went on to produce the first human bomb as well as establish the first army of trained women soldiers in the late 1700s. ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि ब्रिटिशर्स से ऐसे और स्पेशली अनसंग हीरोज़ का अमृत महोत्सव चल रहा है ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है एंड वी आर हैप्पी टू शेयर दैट वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स ऑल दीज ने डेवलपमेंट्स एंड दीज लीडर्स इन आवर टेस्ट सीरीज नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डायरो ट्रेडिशन Do you know about it? So, Dairo tradition is from Gujarat. What is it? Dairo tradition comes from Gujarat, and throughout the night, thousands of people join Dairo and acquire knowledge along with entertainment. In this, Dairo, the trinity of folk music, folk literature, and humor, fills everyone's mind with joy. तो ये एक फेस्टिवल होता है जिसमें ये सारी चीजें की जाती हैं, बट ये होता कहां गुजरात में तो कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी वगैरह से नहीं है जनजातीय गौरव दिवस क्या है दिवस? क्यों किया था? और इससे रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए गौरव दिवस वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस कंट्री ऑन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी बिरसा मुंडा ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी एंड दिस डे इज ऑल्सो डेडिकेटेड To the memories of the brave tribal freedom fighters so that the future generation will also know about their sacrifices. As part of that, only Honorable Prime Minister mentioned that we take a lot of inspiration from freedom fighters like Kiang Nobang, Rani Gadilu in the northeast. He also mentioned that from tribal community, the country got women brave hearts like Raj Mohini Devi and Rani Kamlapati. He also mentioned that the country is celebrating the 500th birth anniversary of Rani Durgavati who inspired the tribal society. Rani Durgavati was the queen of Gondwana and Rani Durgavati was the brave queen who opposed the Mughals empire's expansion in mid 16th century. एंड शी डिस्प्लेड ए स्ट्रॉग लीडरशिप वेल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर कमांडर असफ खान एंड दी नेबरिंग मालवा सुल्तान बाज बहादुर तो ये जितनी नेम हैं ये इंपॉर्टेंट है ठीक है आई नो दैट बहुत ज़्यादा आपके लिए शायद फास्ट हो रहा होगा बट आप रोक के आप समझ लीजिए इसका एक नोट ले लीजिए ये सारे नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और स्पेशली ट्राइबल से रिलेटेड हैं देखिए दो तरीके का ट्रेडिशन चल रहा है ना यूपीसी इज फोकसिंग मोर ऑन लेस एक्सप्लोर्ड अनसंगरोज ट्राइबल रोज वुमेन फ्रीडम फाइटर्स उन पर ज्यादा फोकस है अंबाजी मंदिर इसका एक स्पेशल जिक्र किया है क्या है कैसा है लेट्स अंबाजी मंदिर इज एन इम्पॉर्टेंट शक्ति पीठ वेर लार्ज नंबर ऑफ डिवोटर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड अराइव टू हैव अ दर्शन ऑफ मा अंबे

स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हम इसका कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं सो वी शुड लर्न फ्रॉम दीज ट्रेडिशंस दे शुड इंस्पायर अस एंड द लास्ट वन इज़ मीरा बाईज़ बर्थ एनिवर्सरी सो मीरा बाई का फाइव ट्वेंटी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है और मीरा बाई के गुरु कौन थे किस भाषा में वो अपने पोएम्स और म्यूज़िक कंपोज करती थी दैट यू शुड नो यू शुड नो अबाउट दैट शी वॉज डिवोटी ऑफ कृष्णा और उनकी जो हिस्ट्री है कैसे उन्होंने विश किया तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गुरु रविदास और गुरु रायदास दोनों एक ही हैं ये एनसीआर टी में मैंशन है सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियोज माई डियर स्टूडेंट्स एंड डू रिवाइज वट एवर वी हैव डिस्कस्ड क्विकली मैंने आपको एक समरी देने की कोशिश की है हो सकता है कुछ चीज़ों में मीराबाई के केस में आपको डीप में अपने नोट्स में देखना वी हैव कवर्ड दिस इन आवर करंट अफेयर्स एज वेल एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने ये कहीं कुछ और भी क्वेश्चन जब मैंने यूट्यूब पे डिस्कस किए थे वहां भी डिस्कस किया है सो नोट ऑफ इट कोई अब परफेक्ट डे नहीं आएगा ओनली एटीन डेज आर लेफ्ट सो वाइल वॉचिंग दीजियोज इट से रनिंग नोट सो दैट देन एंड देर यू फाइनलाइज इट फिर बाद के लिए कोई चीज मतपोस्टपोन करके रखो राइट एंड वी आर कमिंग अप विद वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो ये काउंटडाउन चल रहा है हमारे शॉर्ट्स में या इंस्टाग्राम की रील्स पे, सो मेक यूज़ ऑफ़ दोज टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कई बार आपके दिमाग में वो चीज़ें आती भी नहीं हैं और आती हैं तो आप ड्यू अटेंशन नहीं देते हैं सो so आप उनको देखिए और अकॉर्डिंगली यू स्ट्रैटेजाइज द रिमेनिंग एटीन डेज एंड स्टे काम रिवाइज वेल एंड स्टे हेल्दी सी इन द नेक्स्ट वीडियो